हम जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स के साथ है। एक मिनट मैं जब बोलूं उसके बाद बोलना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ है। इंडियन यूथ के साथ है। इंडिया का सांप्रदायिक सौहार्द और ये जो जिन्होंने भी इस कानून को लाया है ये CAA NRC हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। हम ये ऐलान ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की चौखट से करते हैं। मोदी के लाए हुए बिल को अपने कागजात किसी को मत बताना। 30 करोड़ मुसलमानों को बाहर करके बता दे की बात करता है, देवबंदी बरेली की बात करता है, अहले हदीस तबलीगी जमात की बात करता है, शिया की बात करता है, बाबी की बात करता है, तो हम उसको नहीं मानते। शाम को कुछ कहते हैं कानून तो वापस लेना पड़ेगा इनके बाप को भी। और दूसरी बात सुने, जामिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को हम तहसीन पेश करते हैं और इन पे जो बर्बरता यूपी पुलिस ने दिखाई है ना यूपी के अंदर, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट में क्यों डंडे मारे जा रहे हैं? हम इसको ना मोदी को मानते हैं, ना अमित शाह को मानते हैं, ना इस एक्ट को मानते हैं। उसके बाद बोलना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ है। इंडियन यूथ के साथ है। इंडिया का सांप्रदायिक सौहार्द और ये जो जिन्होंने भी इस कानून को लाया है ये CAA NRC हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। हम ये ऐलान ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की चौखट से करते हैं। मोदी के लागे और आप लोग अपने कागजात किसी को मत बताना। 30 करोड़ मुसलमानों को बाहर करके बता दे और मुस्लिम इतिहास कोई मुसलमान अगर मसलकों की बात करता है, देवबंदी बरेली की बात करता है, अहले हदीस तबलीगी जमात की बात करता है, शिया की बात करता है, बाबी की बात करता है, तो हम उसको नहीं मानते। तमाम मुसलमान अजमेर की जानिब से, गुदामे ख्वाजा की जानिब से, गरीब नवाज की बारगाह से ऐलान करता हूँ, जब जब मुसलमानों में परेशानी आएगी हम उनके साथ, चाहे वो जामिया मिलिया के स्टूडेंट हो, चाहे वो यूपी के मुसलमान हो, चाहे वो MP के मुसलमान हो, चाहे वो दिल्ली के मुसलमान हो, हम उनके साथ और हम ही नहीं पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इस NRC के खिलाफ सबके साथ है। एकता NRC के खिलाफ है। NRC कानून देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए गुजारिश करता हूँ। जानकारी को हिंदुस्तान का दुश्मन मुर्दाबाद के इन गद्दारों को जो भी मुसलमान को झूठा अपने आप को झूठा वो कहता है, क्या कहता है, हेड बताता है मुसलमान को फर्जी है।